आज हम बात करेंगे थ्री हैबिट्स ऑफ गुड इनफ पेरेंट्स। फर्स्ट इज बी अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर चाइल्ड्स नीड। अगर आपका बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, रो रहा है, गो टू देम, कम्फर्ट देम। उसे ये समझाने की कोशिश करो कि वो इस तरह से क्यों फील कर रहा है। गिव देम लैंग्वेज टू आर्टिकुलेट इन फ्यूचर। सेकेंड हैबिट ऑफ गुड इनफ पेरेंट्स इज गुड पेरेंट्स ओन देयर मिस्टेक्स। हर कोई पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, सही नहीं होता, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। गलती हर कोई कर सकता है। सो इफ़ यू हैव मेड मिस्टेक, सो यू कैन से सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट यू डिड। तो अगर गलती की है तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड यू कैन से सॉरी टू योर लिटिल वन। दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री गुड हैबिट्स ऑफ गुड इनफ पेरेंट्स। सो इफ यू हैव मेस्ड अप, गो टू देम एंड से देम दैट यू आर सॉरी, और आप उन्हें बताओ कि आप इस गलती को कैसे सुधारेंगे। विद दिस इवन दे विल लर्न टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक एंड रिपेयर द सिचुएशन। थर्ड हैबिट ऑफ गुड इनफ पेरेंट्स इज बी अफर्म। इसका मतलब है अगर आपने या आपके बच्चे ने कभी कुछ गलत किया, दे मेड अ रॉन्ग चॉइस इन देयर लाइफ, दे मेड अ रॉन्ग डिसीजन, यू अफर्म देम दैट द चॉइस दैट दे मेड वॉज नॉट गुड, वॉज नॉट करेक्ट, बट यू आर गुड इनफ बेबी। आप बच्चों से कहो कि भले ही आपने वो चीज़ गलत की होगी, आपका वो फैसला गलत होगा, लेकिन आप गलत नहीं। Well, if you found the video useful, then do subscribe my channel with the bell button hit so that you don't miss the video.